पहुंचती थी। अभी घर पर बता रहे हो स्टार्ट करें कि ना करें? सो है एवरी वन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो अभी ये बाइक अपनी पल्सर आर एस 200, इसका जो है हम रिव्यू करने वाले हैं सर्विस का, देख सकते हैं आप लोग। सो चलिए दिखाते हैं हम आपको। सो ये देखिए, हम अभी ये जो है सर्विस में यूज़ करने वाले हैं, इतना जो भी रखा हुआ है सब आपको बताते हैं अभी इसके बारे में, जो है इसका रिव्यू करते हैं पूरी तरह से। ये देखिए मोबिल का सुपर मोटो रखा हुआ है, ये मोबिल ये 20W50 देख सकते हैं आप लोग, 1.2 लीटर में आता है पूरा, जो इसको आज हम ये यूज़ करके देखते हैं ये कैसा होता है। सो चलिए और दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए ऑयल सप्लीमेंट इसको जो है साथ में यूज़ करते हैं अभी, हमको आपको दिखाते हैं डाल के। और इसके साथ में ये देखिए हमारा कूलेंट जो आता है जैपनेट का कूलेंट, इसको भी दिखाते हैं वीडियो में, पूरा प्रोसेस देखते रहिए आप लोग। और ये देखिए इंजन फ्लश, इसको जो है स्टार्ट करते हैं उसके बाद टाइम डालते हैं। और ये अपना रखा हुआ ये ऑयल सील है, जो कि हमारी ऑयल सील ख़राब हो चुकी थी जिस वजह से ऑयल निकल रहा था, देख सकते हैं आप लोग, इसको भी चेंज करना है हमको। जो हमारी ऑयल सील उसमें लगी हुई थी वो एकदम ख़राब हो चुकी थी, सो अभी इसको न्यू है, इसको चेंज करते हैं। और ये देखिए ये जो है इससे चैन वगैरह क्लीन करते हैं, स्प्रे टाइप का होता है ये। सो अभी इसका प्राइस दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए जो है ऑयल है हमारा जो पड़ता है 549 रुपये का, और नीचे प्राइस देखिए ये 458 रुपये, मतलब इतने में मिल सकता है आप लोग को, जो भी आप डिस्काउंट करवा सकते हैं। और ये एक लीटर में कूलेंट आता है 250 रुपये में। और ये देखिए इंजन फ्लश जो डालते हैं ये भी आता है 200 रुपये में, बट ये जो है कम में मिल जाता है, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं पास में। ये भी देखिए 250 का है, बट ये भी सब कम पैसों में मिल जाते हैं एकदम। और ये देखिए ये भी इसका प्राइस क्या है, 225 रुपये। सो अभी ये देखिए गाड़ी में हमारे जो है ये यहाँ पे ऑयल सील जो लगी हुई थी इसके ऊपर इसमें, सो ये इससे जो है ऑयल काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था यार, सो पता नहीं था, बट आज जब दिखाएं उसको तो बताया उसने जो है ये ऑयल सील ख़राब हो चुकी। तो ये देखिए यहाँ पे ये ख़राब है, इसको बदलना पड़ेगा ये वाली। सो चलिए अभी इसको हम चेंज करते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है, रुकता है कि नहीं ऑयल। सो फाइनली अभी हम सर्विस के लिए आ चुके हैं और देख सकते हैं ये अभी भी कोहरा पड़ रहा है, सुबह के 10 बज चुके हैं और गाड़ी अपनी ये रही इधर। सो चलिए तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑयल सील ख़राब होने की वजह से देखिए कितना ज़्यादा ये जम चुका है, मतलब जो है ऑयल निकला है सारा गंदा गंदा लगा हुआ है। सो इसको भी सही करना है, चेंज करना है इसको। ये देखिए ये पुरानी वाली ऑयल सील है, कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है अंदर से। सो देखिए ये ऑयल सील को कुछ इस तरह से एकदम परफेक्ट लाते हैं, मतलब कि जो है एकदम अच्छे की तरह से बैठ जाए, ऑयल फिर से ना निकले। ये नई वाली ऑयल सील डलाया हमने जो हमारी पुरानी ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा था बराबर। सो अभी ये इसको ये परफेक्ट तरीके से मतलब बराबर ऑयल से भी अलग है।
सफाई है ना। एकदम राइट मामला है। आप बोलिए तुरंत। अब हो ना कुछ एक पी के चक्कर में बताओ बोलना पड़ा पूरा। सो गाड़ी के पैनल्स वगैरह खुल चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये कूलेंट जो है कूलेंट वाला डब्बा खोल रहे हैं, उसके बाद जो है कूलेंट रेडिएटर में और इसमें डालते हैं, उसको साफ़ करते हैं। गंदा होगा काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया गया है। सो अभी खुल चुका है ये ना कूलेंट। अंदर जंग लगी पड़ी 50 रुपए। मिल दिए मिल दिए। खराब पड़क हुआ एकदम है। ऐसा ही पता नहीं है, खाली पानी में डूब गए थे। बहुत सारा भरा पड़ा अंदर। यही पड़ गए थोड़ा डाल दो है ना थोड़ा देर से। पानी कौन सा बैटरी वाला जिया बैटरी वाटर। अंदर बहुत गंदा है, साथ नहीं नहीं यू वाला तो यू वाला खोल दो हुआ। खाली गाड़ी में भैया बड़ा। अरे है ये कहाँ देख रहे हो, रेड देख रहे हो इंजन फ्लशर। हाँ स्टार्ट करें कि ना करें जो वह सब सफाई कर दी। चकना अंदर की गंदगी है साफ करके अब सब निकाल दी, और जो वो डली हो तो इंजन में वो चिकनाहट बढ़ेगी। सप्लीमेंट हाँ अभी का फैन चालू हुई है शायद। स्टार्ट कर लो चलो बंद नहीं करना रहा है। पानी बबल बनने ना तो बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ हुआ पानी बबल बने खोले के डाले पानी कम पड़ती है लग रहा है बोतल। टंगा हुआ आराम
हालत देखो अभी भी आरिश लग रही है एकदम पूरी तरह से। तो फूलैंड निकला है, इतने थोड़ा ऑयल पड़ा हुआ था जिसकी वजह से काला दिख रहा है। कहाँ भैया? हम कहाँ पहुंचे यार? चला बंद आप लोग इसको 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं जब तक पानी साफ ना निकलने लगे। ये देखिए अंदर जा रहा पानी, बबल्स बन रहे हैं, ऑयल चेंज होगा। ऑयल में जो क्या बोलते हैं इंजन फ्लशर डाल दिया था, अब सप्लीमेंट पड़ेगा न्यू ऑयल के साथ। और ये देखिए इसमें इसका रेडिएटर का फ़ैन, ये अंदर से रेडिएटर का फ़ैन होता है। और ये देखिए इसके जो प्रोजेक्टर लेंस होते हैं लाइट्स, देखिए कितने भारी हैं। ये देखिए अंदर से खुलने के बाद सब एकदम दिखता है ज़बरदस्त, क्या क्या है इसके अंदर। सो अभी इसका दिखाते हैं, कूलेंट वगैरह जो चेंज होता है नया पड़ता है। और भी आज इसका मोबिल का ये सुपर मोटो 20W50 ऑयल चेक करते हैं कैसा होता है इसका परफॉर्मेंस वगैरह, फिर उसका राइड रिव्यू करते हैं उस 3 दिन बाद। चलाने के बाद देखते हैं कैसा जो है परफॉर्म करती है मोबिल, कैसा अच्छा है कि नहीं अच्छा, फिर बताते हैं आप लोग को, आप लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सही है वही वाले बढ़िया है। हाँ हाँ अच्छा है बोला, घर पर पड़ा है ये लिए नया लिए रन कूलर। अरे स्टार्ट करी जाएगा, पहले मोबाइल डाल ली तब स्टार्ट किया जाए। ठीक है बंद ना क्यों ढक्कन? ढक्कन ना बंद करके ले इसे रख दे। ओ तेरे चले ये हम बबल बन रहे हैं पूरा। 1200 जी है, 1200 पड़ते हैं। अगर चेक करें अगर सही हुई है तभी तो नहीं नहीं ऑयल बढ़िया है, ऑयल बढ़िया है। चलो इंजन सप्लीमेंट है ना, यू साथ में तो पड़ा था। है छोटा लेकिन काम बड़ा करता है ना। चलो सही है, हाथ में लगा देखो, देखो उंगली में लगा। ज्यादा तो नहीं है पता,
कर रहा है। और गाइज इन सब के अलावा मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हैं आप लोग इंजन लाइट जो ब्लिंक हो रही है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये हमने बात की थी मैकेनिक से, सो वो बोल रहे थे कि जो है इसका जो है ये स्पीडोमीटर नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये सेंसर चेक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये ब्लिंक हो रहा है, तो इसको भी दिखाना पड़ेगा। तो अभी वीडियो हम दिखा देंगे आपको, वीडियो तक शेयर कर देंगे इसकी भी, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइनली अभी हम घर पे आ चुके हैं, और आपने देखा जो सर्विस में ऑयल वगैरह यूज़ किए थे और सप्लीमेंट्स थे और जो भी था इंजन फ्लशर, काफ़ी अच्छा था। चलाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि हाँ काफ़ी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अच्छा है कुछ हद तक, बट बेस्ट नहीं है। और जो है बाकी जो है रिव्यू आने वाला है, राइड पे रिव्यू देंगे इसका, थोड़ा चला के अच्छे से देखते हैं। अभी तो गाड़ी वॉश कराना बाकी रह गई है, बाकी सारा हो चुका है। सो आज का व्लॉग यहीं तक रहता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।